हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे मैडम जी, नहीं मैं रख देता हूँ आपका सामान घर तक। नहीं नहीं मैं रख लूंगी, थैंक यू। मेंशन नॉट मैडम जी। लो हो गए फिर से दोनों शुरू। तू जब भी करनाल से आता है इस घर में इस गेम के अलावा कोई बात नहीं चलती। तुझे पता है ना मीनल की शादी सर पे है। हाँ अरे तुम्हें क्यों हो गया, मेरी तरफ से तो पूरी तैयारी है ना, मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप लोगों को शिकायत करनी है ना गीता दीदी की, करो। क्या कहा था आप लोगों ने, इस वीकेंड आ जाएगी? आई वो। लो याद किया और आ गया इसका वीडियो कॉल। हेलो कैसे हैं आप सब? हम सब तुझसे बहुत नाराज हैं, तू आई क्यों नहीं? अच्छा बाबा सॉरी, नेक्स्ट टाइम पक्का आऊंगी। मैं एक मिनट में आती हूँ। अरे ये मीनल को किसका फोन आ गया? अरे उसे तो फोन आते रहते बेटा, तू बता कैसी है, वहाँ सब ठीक है? हेलो होगा, मैं देखता हूँ, रुक। सर घर में दो मर्डर हुए हैं और जो लड़की जिंदा है शायद उसके साथ रेप भी किया गया है। शायद उसको भी मारने का इरादा हो, लेकिन किलर को अंदाजा नहीं हुआ कि वो जिंदा। सर घर में लूट के साइन भी हैं, हो सकता है ये मर्डर्स लूट के इरादे से किए गए हैं। माना लूट हुई, लेकिन बॉडी को गौर से देखो, जिस बेरहमी से कत्ल किए गए लगता है किसी ने पुरानी दुश्मनी निकाली। हो सकता है मोटिव मर्डर का ही हो और लूट मिसगाइड करने के लिए की गई, ताकि ये लगे कि सारे कत्ल किसी लूटने वाले गिरोह ने किए। सर एक कॉलोनी का चौकीदार है रतन, कल रात को ये नाइट ड्यूटी पे था। सुबह सबसे पहले इसी ने घटना को विटनेस किया और आसपास के लोगों को इकट्ठा भी किया। ड्यूटी पे था तो? हाँ सर। क्या देखा तूने? कुछ नहीं सर। इतना बड़ा कांड हो गया तूने कुछ नहीं देखा? अब वो हमारी आंख लगी थी रात को। सेन, इसको नींद से जगाओ सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब विकास, पड़ोसी से पूछताछ करो और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है या नहीं। सर मिश्रा, इस सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ जल्द से जल्द। सर माधुरी आंटी यहाँ अपनी बेटी मीनल के साथ रहती थी और उनका बेटा रामेंद्र करनाल में काम करता था, हर सैटरडे संडे को आता था, तो शायद कल भी आया हो। उनका कोई रिश्तेदार है? हाँ सर, उनकी एक बड़ी बेटी भी है गीता, पर उसकी शादी हो चुकी है और अभी वो भोपाल में रहती है। अच्छा, माधुरी की फैमिली का किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ?
सर ये लोग बहुत ही अच्छे थे और माधुरी आंटी आए दिन पूजा पाठ दान पुण्य भी करती थी। साहब हमारी सोसाइटी में एक ही गार्ड है रतन, तीन चार बार हमने नाइट के लिए अलग गार्ड रखा मगर साहब वो किसी को टिकने ही नहीं देता था। बज गए, मेरा जूस कहाँ है? लाई पापा। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है इस घर में, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। पापा जूस। जूस। पूरे दो मिनट लेट हो तो अब मैं दो मिनट के लिए तुम्हारे हाथ ऊपर करके तुम्हें खड़ा रखूंगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? सॉरी पापा। सॉरी पापा। जाओ तरीके अवसर पे। सुनो ठीक 9 बजे मुझे नाश्ता तैयार चाहिए। कर लिया। अरे वाह मेरा बच्चा शाबाश। अब चलो कमरे में चल के देखते तुमने होमवर्क सही किया या नहीं। आओ चलते हैं। शाबाश। ₹5 में जानते हैं कांड तूने किया, बोल तेरे साथ और कौन कौन शामिल था? तब मैंने कुछ नहीं किया साहब, हमारी गलती बस इतनी सी कि हमारी आग लग गई थी। आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोल दे वरना मीनल के होश में आने के बाद सच खुद को सामने आ जाएगा। मीनल जी जिंदा? जिंदा है। तुम लोगों ने मारने की पूरी कोशिश की थी ना, लेकिन बच गए। साहब ये क्या कह रहे हो साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच कह रहे हो, हमारी अम्मा की कसम खा के कह रहे हो साहब। ऐसे नहीं मानेगा तोड़ो सड़क। जी बेटा तुम जिस बस्ती में रहते हो ना बेटा है? वहां वैसे ही बहुत गंदगी होती है ना, तो अगर तुम रोज नहाओगे नहीं बेटा फिर बीमार पड़ जाओगे है ना बेटा, इसलिए रोज नहा करो। नहाने से है ना बेटा मन बहुत खुश रहता है और पढ़ाई भी मन लगा रहता है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? पापा जी कितनी बार कहा है तुमसे मेरे कमरे में नॉक करके आया करो। पापा जी वो चाय एक्चुअली जो कहना बाद में कहो, जाओ भी यहां से। जी तो मोहल्ले के गेट पे जो सीसीटीवी मिला था वो पिछले 5 दिनों से फंक्शनल नहीं है, हो सकता है उसे भी पर्पसली खराब किया गया हो और इसमें भी रतन इन्वॉल्व हो। अब बोलेगा सच? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे डर नहीं था, बहुत डर लग रही था। अभी भी इसकी गर्मी निकली नहीं, इसको और लेटाओ बर्फ की सिली पे तब ये सच बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोल। सब उस दिन ना मैंने आप ही के लोगों को देखा था। हमारे लोगों को?
मतलब पुलिस वालों को? हाँ साहब, पहले मैं ये बात बताने से आपको डर रहा था, लेकिन उस रात ना साहब पुलिस वाले आए थे वापस और मेरी आग लगी हुई थी, इसलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई साहब। साहब वहाँ पर रात काफी थी था, इसलिए अंधेरे में किसी के चेहरा नहीं देख पाया, पर सबने पुलिस की वर्दी पड़ी हुई थी साहब। अपनी बकवास बंद कर, थोड़ी देर बाद बोलेगा वहाँ चार टेररिस्ट आए थे गाड़ी में, तो तेरी बात मान लेंगे हम। पूरी रात इसको बर्फ की सिली पे लेटा, तब इसकी गर्मी निकलेगी। नहीं सब मुझे पता था आप लोग मेरी बातों को विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा था साहब। साहब सब इज्जत कर रहा हूँ साहब, मैंने पुलिस वालों को देखा था। रानी पापा, मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक 8 बजे वापस आऊंगा, तब तक मुझे खाना तैयार चाहिए। ओके पापा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया इस इंसान का। गनीमत समझो, तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी पापा ने। हाँ तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, लेकिन मेरा कहने को मैं इस घर का जमाई हूँ, लेकिन मेरी औकात कुत्ते से ज्यादा नहीं है, और ये तुम्हारे बाप का कमीनापन है। शायद कहाँ बने, जबान संभाल के बात करो। तुम अपने पापा को संभालो ना, ये बच्चे पढ़ाने की समाज सेवा के नाम पे वो जो कुछ भी कर रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा तुम्हें कोई अंदाजा है? बस नहीं, मैं मानती हूँ पापा थोड़े गुस्सेल है, स्ट्रिक्ट है, पर तुम मेरे पापा के बारे में इतना गंदा सोच भी कैसे सकते हो? गंदा कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, क्या करतूते कर रहे हैं, वो सब मैं देख चुका हूँ। तुम्हारे पापा के चक्कर में हम सब फंसने वाले हैं, एक भी बच्चे के अगर माँ बाप को ये पता लग गया ना तो हम सबके सब जेल पे चले जाएंगे। अरे बेटा आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मैडम, मैं कहाँ रो रही हूँ। कितने बहादुर हो आप, रो भी रहे हो और तकलीफ भी नहीं बता रहे। तकलीफ कैसे मैडम, हम फूल वालों को तो कांटों से तीस करनी पड़ती है। तुम कितनी गहरी बातें करती हो, कहाँ है तुम्हारी माँ? मेरी माँ मजदूरी पे गई है और मैं यहाँ फूल बेचती हूँ, आप लोगे मेरे फूल? पहले आप मुस्कुराओ तब मैं लूंगी आपके फूल, ये हुई ना बात, चलो दे दो। थैंक यू। ये रतन बार बार अपना बयान बदल रहा है, और ये अकेला नहीं होगा, इसके और भी साथी होंगे जिनके साथ मिलकर इसने इस लूट कत्ल और बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरी वारदात को सिर्फ मिनल ने विटनेस की, उसका बयान हमारे केस के लिए बहुत अहम। उसकी तबीयत कैसी है? कंडीशन ठीक नहीं है सर उसकी, कुछ कह नहीं सकते कि बयान देने की हालत में कब आएगी वो। और वो माधुरी की बड़ी बेटी गीता, वो कब लौट रही? सर इन्फॉर्म कर दिया मैंने उसको, भोपाल में रहती है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही आती है मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करो, हो सकता है इसके बयान से हमें इस केस में कुछ मदद मिले। सर माँ वो आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे सारे फूल ले लिए। तू है ही ऐसी, ये पत्थर भी पिघल जाए। पर तुम नहीं पिघलती माँ, और मेरी एक भी बात नहीं मानती। तू सोच ले मैं तेरी निर्दयी माँ हूँ, लेकिन तेरा भला ही सोचूंगी। मैं गमी सर। कमिंग सर। फॉरेंसिक टीम को माधुरी के घर से ऐसे कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं जो क्रिमिनल से बिलोंग करते हो। शायद क्रिमिनल्स ने हैंड ग्लव्स पहने होंगे। सर रतन बोल रहा था कि वहां पर पुलिस की वर्दी में लोग आए थे, लेकिन मैंने पेट्रोलिंग टीम से चेक किया, उस रात वारदात के दौरान वहां पर कोई भी पीसीआर नहीं गई थी। मतलब ये रतन झूठ बोल रहा है, हो सकता है उसने खुद ही किसी गैंग को एंट्री दी। लेकिन सर रतन के कॉल रिकॉर्ड में इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा। एक बात और सर, मैं मीनल का इलाज कर रहे डॉक्टर से मिला था, उन्होंने कन्फर्म किया कि मीनल के साथ रेप भी हुआ था। लेकिन सर मीनल की बॉडी पर से सिर्फ एक ही रेपिस्ट का डीएनए मिला, जबकि हम मान रहे थे कि इतनी बड़ी लूट और हत्या को कई लोगों ने अंजाम दिया होगा। मीनल की बॉडी पर जो रेपिस्ट के डीएनए सैंपल्स मिले उसे रतन के डीएनए सैंपल से मैच करवाने की परमिशन निकलवा। सर सर रतन, रविंदर, माधुरी और मीनल इन सबके कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर मीनल के नंबर पर एक सस्पिशियस नंबर मिला है, और पिछले काफी समय से मीनल की इस नंबर पर बातें हो रही थी।
किसका नंबर है? सर दीपक शर्मा, गुरुग्राम के सेक्टर 15 का रहने वाला है। और सर घटना के 2 दिन पहले से ये गायब है, इसके घर पे भी ताला लगा है। तब पता चला है कि मीनल के साथ इसकी शादी होने वाली थी। ये मीनल का मंगेतर है? जी सर। तो इसका इस लूट और बलात्कार से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर मीनल की बहन गीता आई है। बोला। सर उस रात मेरी सबसे फोन पे बात हुई थी, सब खुश थे। आपका पूरा परिवार खत्म हो गया, फिर भी आपको यहाँ आने में 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। सर मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड है और यहाँ आने के लिए मुझे टिकट भी नहीं मिल रही थी। अब आपकी माँ तो रही नहीं, तो ना ही रविंदर, और मीनल भी हॉस्पिटलाइज्ड है। और वैसे भी मीनल तो आपकी सगी बहन तो है नहीं, अब आपकी माँ के गुजरने के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी, घर बार, सब कुछ तो आप ही का है ना? आप कहना क्या चाहते हैं सर? वही जो आप समझ रही हैं। हमें पता चला है कि आपकी माँ अपनी प्रॉपर्टी का 50% आपकी सौतेली बहन मीनल को देने वाली थी और बाकी का आपको और आपके भाई रामेंद्र को। सर आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं था, और 50% का हिस्सा उसे देना वो तो माँ का अपना डिसीजन था सर। लेकिन आपको अपनी माँ के इस डिसीजन से ऑब्जेक्शन थी, आपने ऑब्जेक्ट भी किया था। यस सर, हमने ऑब्जेक्ट किया था, और माँ तो मीनल को हमारा घर भी देना चाहती थी सर। उस घर से हम सबकी यादें जुड़ी थी, हम बस यही चाहते थे कि वो घर मीनल को ना मिले। और आपकी माँ नहीं मानी इसलिए आपने उनको? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, और माँ ने तो हमारी बात मान ली थी, वो बोली थी कि वो मीनल के लिए दूसरा घर खरीदेंगे। दूसरा घर? यस सर, इसी वजह से तो घर में काफी सारा कैश रखा हुआ था, और वो सब। अच्छा आप दीपक के बारे में क्या जानते हैं? सर माँ मीनल की शादी दीपक से कराना चाहती थी, पर मुझे दीपक बिल्कुल पसंद नहीं था सर। क्या? क्योंकि वो मीनल से सिर्फ इसलिए शादी करने के लिए तैयार हुआ ताकि उसे माँ से घर और काफी सारा दहेज मिल सके। मीनल अपाहिज है इसलिए उसका घर बसाने के लिए माँ कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मुझे तो दीपक की नीयत पे शुरू से ही शक था सर। पर हमें पता चला कि दीपक गायब है। क्या आप हमें बता सकते हैं दीपक कहाँ मिलेगा? उसके किसी जान पहचान वाले को आप जानती हैं? सर मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पर उसने बोला था कि उसके माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक, अब जा सकते हैं। सर दीपक इस घटना के 2 दिन पहले से अपना फोन बंद करके गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले दीपक ने उस दिव्यांग लड़की मीनल से शादी करने की हाँ की और फिर इस लूट और हत्या को अंजाम दिया? इस दीपक को किसी भी सूरत में ढूंढो। सर दीपक के कॉल रिकॉर्ड में उसके कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबर मिले थे, मैं उन सबसे मिला, लेकिन उसका कहीं से कोई लीड नहीं मिल पा। हो सकता है कोई कुछ छुपा रहा हो। दीपक के कॉल रिकॉर्ड में जितने नंबर हैं सबको इन्वेस्टिगेट करो। सर मैडम मुझे दे दो, मैं संभालती हूँ इसे। हाँ इसे थोड़ी देर के लिए तुम ले लो। थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट। अरे वाह तुम तो इंग्लिश भी बोल लेती हो, पढ़ाई करती हो? नहीं मैडम मैं नहीं पढ़ती। अच्छा चलो तुम उसे 2 मिनट संभालो, मैं अब भी आई। हाँ कमिंग सर। कमिंग सर, अपने खबरी दीपक के दोस्तों पे नजर रखे हुए थे सर, उन्होंने उनमें से एक दोस्त को सेक्टर 17 के घर में जाते हुए देखा है सर, हो ना हो दीपक वहीं पे छुपा बैठा है। सर मैं वैष्णो देवी गया हुआ था सर, मैं प्रीपेड नंबर यूज करता हूँ,
इसलिए मेरा मोबाइल बंद हो गया सर। लेकिन जब मैं गुरुग्राम वापस आया मुझे मालूम चला कि मीनल की फैमिली के साथ ये सब हो गया है। मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए छुप गया था। तू डर इसलिए रहा था क्योंकि तू इस सब में शामिल है? नहीं सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है सर। सर मैं तो मीनल से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी गया था लेकिन आप सबको वहां देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई सर। तो मैं जानता हूँ कि गीता मुझे पसंद नहीं करती और मैं ये भी जानता हूँ कि सबसे पहला शक उसका मेरे पे आएगा सर। उसी डर से मैं छिपा हुआ था सर। आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोल दे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। ला प्रसाद सर। दीपक के डीएनए को भी मीनल की बॉडी पर मिले रेपिस के डीएनए से मैच करवाओ, देखते हैं क्या सामने आता है। मीनल की तबीयत कैसी है? सर धीरे धीरे रिकवर कर रही है वो, लगता है बहुत जल्द बयान देने की हालत में होगी। रतन के अलावा माधुरी की बड़ी बेटी गीता और मीनल का मंगेतर दीपक भी हमारे प्राइम सस्पेक्ट, और इस वारदात का मकसद माधुरी की जायदाद के पीछे का लालच ही नजर आ रहा था। लेकिन इस केस के कई और पहलू, कई और ऐसे चेहरे थे जो तब हमें नजर नहीं आए थे। फूल बेचने वाली बच्ची सरिता, सरिता की माँ रमाकांती, और वहीं कर्नल अनंत चौधरी और उसका परिवार, वो सब इस केस के चेहरे थे। लेकिन ये सब चेहरे इस केस से कैसे जुड़ने वाले थे तब हमें पता ही नहीं था। अरे क्या बदतमीजी है, कंट्रोल रूम में फोन आया था, सेक्टर 21 के एक घर में मर्डर हुआ है। सर ये वाला घर है। जय सर। सर ये कर्नल अनंत चौधरी हैं, अपने बेटी और दामाद के साथ यहाँ रहते थे। इनके साथ जब ये हादसा हुआ घर में यहाँ कोई नहीं था, और सुबह जब इनके बेटी दामाद यहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये सब देखा। सर घर में लूटपाट भी हुई है। बेटी और दामाद कहाँ? सब बाहर ही हैं। कल मैं और मेरे हस्बैंड अपने रिलेटिव से मिलने रोहिणी गए हुए थे, और जब हम सुबह घर वापस आए तो आपके और कर्नल साहब के अलावा घर में कोई और भी रहता? नहीं सर। आपको किसी पे शक? कर्नल साहब की किसी से कोई दुश्मन? सर एक्चुअली पापा जी आर्मी में थे, बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्सैल थे, या हर किसी से उनका आए दिन झगड़ा होता ही रहता था, कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। आपको किसी पे शक? सर अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कर्नल चौधरी के बारे में सब कुछ पता लगा, पता लगा उनकी बेटी और दामाद जो उनके बारे में कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई। सर रात में यहाँ से किसी को आते जाते देखा था क्या? नहीं साहब, लेकिन कल शाम को कर्नल साहब के घर से काफी लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी, और उसके थोड़ी देर बाद उनका बेटी और दामाद सामान लेके यहाँ से कहीं निकल गए, ऐसा लग रहा था कहीं बाहर जा रहे हैं। सर हमारा पापा से झगड़ा हुआ था लेकिन उनका मर्डर से इस बात का कोई लेना देना? लेना देना है या नहीं वो हम डिसाइड करेंगे, आप ये बताइए कि झगड़े की वजह क्या थी। सर हम आपको पहले बता नहीं पाए, एक्चुअली मेरे ससुर जी अच्छे इंसान नहीं थे। जो भी कहना साफ साफ बोल। सर वो पेडोफिलिक थे। सर वो चैरिटी के नाम पे बच्चों को पढ़ाते थे लेकिन उनकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, वो किसी न किसी बहाने से बच्चों को घर पे ले आते थे। और क्या ये सब सच है? हाँ सर, इसी वजह से उस दिन हमारा पापा से झगड़ा हुआ था। अरे वाह, हैंडसम लग रहा है मेरा राजू। बहुत अच्छे लग रहे हो।
ये लो बेटा, ये पैसे अपने पापा को दे देना, ठीक है? जाओ, शाबाश। क्या है रानी, क्या बदतमीजी? कितनी बार कहा है तुमसे मेरे कमरे में आने से पहले नॉक किया करो। एक मिलिट्री मैन की बेटी होकर इतनी भी डिसिप्लिन नहीं है तुम। बस कीजिए पापा, मैं इतने टाइम से अनिल की बातों को इग्नोर कर रही हूँ, पर वो सही है। शर्म आती है कि आप मेरे पापा। क्या मतलब, क्या है तुम्हारा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप बच्चों को कमरे में लाके उनके साथ। माइंड योर लैंग्वेज। पहले आप अपनी हरकतें देखिए पापा। जी नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो बच्चों के साथ ऐसी गंदी हरकतें करते। नहीं रहना मेरे साथ तो निकल जाओ यहाँ से। हमें तो डर लग रहा था कि उनकी इन हरकतों की वजह से कोई बड़ा बवाल ना खड़ा हो जाए। और तो आपको लगता है इनकी मौत के पीछे ये वजह हो सकती है? सर हो सकता है किसी बच्चे के पेरेंट्स को इसकी असलियत का पता लग गया। और वो किन किन बच्चों का आना जाना इस घर में? सर अभी कुछ दिनों से कोई अजू नाम का लड़का बार बार आ रहा था घर पर। रहता कहाँ है रोज? सर वो पास की बस्ती में रहता है। उसका स्केच बनवा सकते हैं? एक बात बताओ, वैसे तुम रहती कहाँ हो? पास वाली झोपड़पट्टी में। अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है, हमें तो डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। चलो उठो जल्दी। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। तो नहीं होगा, चलो। हाँ साहब, कर्नल साहब यहाँ के बच्चों को पढ़ाते थे। तो बच्चों, हम आज फिर से हिंदी कविता दोहराएंगे जो हमने कल पढ़ी थी। चल घर, चल 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 घर पे। अरे अरे ये क्या कर रही है, मोहन को क्यों ले जा रही है? मेरे बच्चों से दूर रहा करो। हमने सुना है कि आपका उनसे काफी झगड़ा भी हुआ था। हाँ साहब, लेकिन हमें मालूम नहीं था, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे कर्नल साहब। वो कैसे? साहब वो बच्चे को पढ़ाते ही नहीं, बल्कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे उनको स्कूल भेजते थे और उनकी फीस भी भरते थे। साहब उस दिन मैं अपने बच्चे को लेकर आई थी, उसके बाद आकर वो मुझसे मिले भी थे। देखिए मैं नहीं जानता कि आप अपने बच्चे को मुझसे क्यों नहीं पढ़वाना चाहते, लेकिन स्कूल भी तो नहीं जा रहा है। चलिए मुझसे मत पढ़वाइए, लेकिन इसका स्कूल में एडमिशन तो करवा दीजिए। ये लीजिए। साहब वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, बल्कि उन्हें साफ सुथरा रहने के बाद भी बोलते थे, और कुछ बच्चों को तो वो अपने घर ले जाकर नहलाते थे और उन्हें नए कपड़े देते थे। इस बच्चे को जानती हो? पता चला है कि इसी इलाके में कहीं रहता है ये। हाँ सर, ये तो राजू है, इसका परिवार तो 3 दिन पहले यहाँ से चला गया। कहाँ गया वो? मैंने सुना था उनको मजदूरी का काम मिल गया है दिल्ली में, तो वहीं चले गए होंगे। सर उस औरत ने ही नहीं बल्कि काफी लोगों ने कर्नल अनंत चौधरी के बारे में अच्छा बोला है, काफी लोगों की मदद करते थे वो। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा कि रानी और अनिल को ये क्यों लगा कि वो पेडोफाइल। अब या तो ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है उनकी गलतफहमी हुई, और उन लोगों ने जिस राजू नाम के बच्चे का स्केच बनवाया था वो 3 दिन पहले अपनी फैमिली के साथ कहीं चला गया, इसका क्या चक्कर हो सकता है? सर, सर ये मुन्ना है, हिस्ट्री शीटर है। सर कर्नल के घर पे फॉरेंसिक टीम को एक अननोन आदमी के फिंगरप्रिंट मिले थे, हमने अपने डाटाबेस से वो फिंगरप्रिंट मैच करके देखे, वो इस मुन्ना हिस्ट्री शीटर के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। सर ये मुन्ना राजस्थान की एक जेल में लूटपाट और चोरी के इल्जाम में बंद रह चुका है, काफी टाइम पहले वहां से छूट गया था, लेकिन अभी अंडरग्राउंड है। तो हो सकता है इस हिस्ट्री शीटर मुन्ना ने कर्नल चौधरी का कत्ल किया, और ये भी हो सकता है किसी ने इसको सुपारी दी, लेकिन सवाल यह है कि सुपारी किसने दी होगी? सर हो सकता है ये सुपारी रानी और अनिल ने दी, क्योंकि पता चला है कि रानी और अनिल की कर्नल अनंत चौधरी से बिल्कुल नहीं बनती थी, और कर्नल के मरने के बाद जायदाद भी उन्हीं की होने वाली थी। तो शायद रानी और अनिल ने हमें कर्नल के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। दोनों की बैकग्राउंड चेक करो, और ये भी चेक करो क्या कर्नल की बैकग्राउंड में कोई ऐसा था जिसका इस हिस्ट्री शीटर मुन्ना से कोई ताल्लुक हो। सर माना कि मैं उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही पाला था। उनके कहने पे ही मैं दिव्य से शादी कर रही थी। उस दिन रात को रामिंदर भैया घर करनाल से वापस आए थे, हम बहुत खुश थे सर। कौन है? दरवाजा खोलिए, पुलिस। पुलिस क्यों हो गया जी? पर बात क्या है? ये माधुरी जी का घर है ना जी, आपसे एक केस के बारे में बात करनी है। दरवाजा खोलिए।
ये कौन? जी ये मेरा बेटा है। और उसने तो कहा था घर पे सिर्फ बुढ़िया और लड़की रहती है, फिर ये कहाँ से आ गया? चारों ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी। सर मतलब रतन वाकई में सच बोल रहा था कि उस रात पुलिस यूनिफॉर्म में कोई गैंग आया था? लेकिन ऐसा कौन सा गैंग हो सकता है जो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के इस तरह का कांड करे? पता करो क्या पहले भी कभी किसी गैंग ने इस तरह का कांड किया? सर अरे तुम्हें तो बुखार था ना, तुम बेडरूम से यहाँ क्यों आई? और ये एप्पल मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरा बुखार तो उठ गया, और वैसे बिना छोटू बेबी को देखे मेरा मन नहीं लगता। और छोटू बेबी का भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। वो क्या है, छोटे बेबी को दूर से ही प्यार, वो क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। हाँ देखा छोटू बेबी, तुम्हारी मासी कितनी समझदार है। मैं मासी हूँ? सरिता मासी। मासी सरिता मासी। कमिंग सर। कम। सर माधुरी के घर पे हुए अटैक से कुछ दिन पहले मानेसर हाईवे पर कुछ पुलिस वर्दी पहने हुए लोगों ने एक ट्रक चलाने वाले को उसका ट्रक रोक के लूटपाट की थी, और ये केस मानेसर थाने में दर्ज हुआ था। और उस समय उस ट्रक का हेल्पर किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन उसने उन क्रिमिनल्स के स्केच बनवाए थे। ये देखिए सर। ट्रेन में एक मुन्ना भी था, और यही मुन्ना कर्नल चौधरी और माधुरी के घर पे भी मौजूद था। और मीनल ने कहा था कि वो लोग रामेंद्र को वहां देखकर हैरान हुए थे। और उसने तो कहा था घर पे सिर्फ बुढ़िया और लड़की रहती है, फिर ये कहां से आ गया? मतलब इन लोगों ने उस घर की पहले रेकी की थी। ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि उस घर में सिर्फ माधुरी और मीनल रहते, इसलिए उस घर को टारगेट किया गया। सर ये कर्नल चौधरी अपनी बेटी और दामाद के साथ उस घर में रहते थे, और जब ये दोनों ही घर में नहीं थे उसी समय यहाँ हादसा हुआ। अब सर ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई साजिश, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये चक्कर भी समझ में नहीं आ रहा कि जो बच्चा राजू कर्नल चौधरी के घर पर अक्सर आता जाता था, वो अचानक अपनी फैमिली के साथ कहाँ गायब हो गई और क्यों? और हमें पता चला था कि माधुरी स्लम की बच्चियों को मंदिर में बुलाकर उन्हें कन्या भोज करवाती थी। डॉक्टर से कहो कि हमें मीनल से दोबारा मिलना। माँ शुरू से हर 15 दिन में अष्टमी पे कन्या भोज कराती थी। उन बच्चों में कभी आपने इस लड़के को देखा था? नहीं सर, इसको तो नहीं देखा। लेकिन हाँ माँ एक बच्ची को पसंद करने लगी थी, अक्सर माँ उसको घर लेके आती थी। क्या नाम था उस बच्ची का, कहाँ रहती थी जानती है? नहीं पता सर, लेकिन वो मैंने उसे मंदिर में फूल बेचते हुए देखा था। आप उसका स्केच बनवा पाएंगे? दीदी। अरे तुम क्यों लेकर आई मेरे लिए पानी, मैं ले आती ना। मैडम जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सारे काम मुझे बोलो मैं कर लूंगी। तुम हमें जेल भिजवाना चाहती हो? जेल? हाँ, छोटे बच्चों से काम कराना गैर कानूनी होता है, आपको पता है? अरे मैडम जी मैं कहाँ काम कर रही हूँ, मैं तो बस अपनी बड़ी दीदी के लिए पानी ला रही थी। थैंक यू मेरी छोटी बहना, सो स्वीट। सर मीनल ने जिस बच्ची का स्केच बनवाया था मैंने इसके बारे में मंदिर में पता किया, लेकिन सर ये काफी टाइम से वहां पर देखी नहीं गई है। लेकिन ये पता चला है कि इस बच्ची का नाम सरिता है,
और सर जितने भी लोगों से मैंने इस बच्ची के बारे में पूछताछ की, निकलकर यही सामने आया कि बच्ची सरिता माधुरी के घर पे हुए अटैक से पहले ही गायब हो गई। पर वो बच्चा राजू, वो भी कर्नल के घर पे अटैक होने के दो दिन पहले गायब हुआ था। लेकिन सर इन बच्चों का मुन्ना जैसे हिस्ट्री शीटर से क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है विकास, अब क्या कनेक्शन है ये पता लगाना होगा। खबरियों को काम पे लगा, दोनों केसेस की इन्फॉर्मेशन निकलवा। सर हमें ऐसा लग रहा था कि राजू और सरिता ऐसे दो चेहरे थे जो इन दोनों ही केसेस को जोड़ने वाली कड़ी थे, लेकिन उनका हिस्ट्री शीटर मुन्ना से क्या कनेक्शन हो सकता था ये जानने के लिए हमने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के तकरीबन सारे पुलिस स्टेशन की पुरानी फाइलों को छान मारा। पुलिस टीम और खबरियों की दिन रात की मेहनत के बाद हमारे हाथ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी जिसने इस केस का एक अलग ही पहलू हमारे सामने रख दिया। माधुरी और कर्नल चौधरी के घर पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि यही गैंग रिचर्ड गैंग। दोनों वारदातों में पैटर्न सेम है जो कि लीचर गैंग की मॉडल सप्लेंडी से मैच करता है। कर्नल चौधरी मंदिर के पास ट्यूशन पढ़ाता और माधुरी भी कन्या भोजन के लिए अपने घर के पास वाले स्लम से कन्याओं को बुलाकर मंदिर में भोजन करवाता। और कर्नल चौधरी के घर के पास के स्लम में रहने वाला बच्चा राजू अब गायब है और माधुरी की बहुत करीब बच्ची सरिता भी। मतलब साहब लीचड़ गैंग बच्चों की मदद से काम करते हैं, वो पहले खुद अपना टारगेट चुनते हैं और फिर बच्चों से उस टारगेट की रैकी करवाते हैं। सरिता कन्या भोजन की कन्या बनके माधुरी के घर में दाखिल हुई होगी। और ये बच्चा राजू स्टूडेंट बनके कर्नल चौधरी के घर में, और हो सकता है कि शायद ये दोनों बच्चे लिचड़ गैंग के लिए काम करते हैं। लिचड़ गैंग का एक पैटर्न है, जो बच्चे उनके टारगेट की रैकी करते हैं वारदात होने के दो तीन दिन पहले से ही वो बच्चे गायब हो जाते और फिर उस गैंग की दूसरी टीम टारगेट पर धावा बोल देती। यह है लीचर गैंग का लीडर राजबल्ब, आर्ट कत और लूटपाट के केसेस में वांटेड। इससे पहले इस गैंग के सामने सारे केसेस की एक एक डिटेल स्टडी करो, खबरों को काम पे लगाओ। इससे पहले ये गैंग किसी और को अपना टारगेट बनाए हमें इस गैंग को धरना है किसी भी सूरत में। सर सर दीदी आपके साथ आपके पति नहीं रहते? नहीं वो फौज में रहते हैं, मगर जब आएंगे मैं तुमको उनसे मिलवाऊंगी ठीक है? पर मैं तो आज ही जा रही हूँ। आज ही जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मेरी माँ को नया काम मिला है सोहना में, तो हम वही जा रहे हैं आज। तुम आज ही जा रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं? खैर छोड़ो, सोहना में कहाँ, हम तुमसे वहाँ पर मिलने आएंगे। वो तो पता नहीं, पर हाँ मैं अपनी माँ से पूछकर आपको फोन करूँगी। पक्का? पक्का। ठीक है बाय दीदी, अब मैं जाऊँ? नहीं एक मिनट। ये लो ये पैसे अपनी मम्मी को देना और तुम्हारे रास्ते के लिए इसमें कुछ जरूरत का सामान है ठीक है? हाँ। बाय दीदी, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। बोलो।
राजवल्लभ कहाँ? बोलो बोलो राजवल्लभ कहाँ? एक तरफ जहाँ हमने अनीता के घर में होने वाली लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ हमारे एरिया के एक और घर को टारगेट बनाया गया था, जहाँ माधुरी और कर्नल के घर की तरह ही ना सिर्फ लूट हुई थी बल्कि उस घर में रहने वाले अकेले बुजुर्ग का कत्ल भी कर दिया गया था। इस वारदात की मोटर सप्रेंडी भी लीचड़ गैंग से मिलती जुलती नजर आ रही थी, लेकिन अनीता के घर से हमने जिन मुजरिमों को पकड़ा था उनके बयान एक बार फिर से इस केस को उलझाने वाले थे। लीचड़ गैंग के लिए काम करते ना? नहीं साहब, हम किसी लीचड़ गैंग के लिए काम नहीं करते साहब, हम तो वहां चोरी करने गए थे साहब। सरिता ने उस घर की रेकी की, और सरिता ने माधुरी के घर की रेकी भी की थी जहां तुम लोगों ने पहले लूट की और फिर उस घर को लूटा। और वो लड़का राजू, वो भी तुम्हारे गैंग के लिए काम करता, उसी की मदद से तुम लोगों ने कर्नल का घर लूटा और उसका कत्ल किया। साहब, हमने किसी का कत्ल नहीं किया साहब, और हम किसी भी सरिता और राजू को भी नहीं जानते साहब। झूठ बोलता, ऐसे नहीं मानेंगे, तोड़ो इन्हें। ये सब अपने आदमियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इनमें से तो कोई सच ही नहीं उगल रहा है। एक बार फिर से अनीता को मिलते हैं, हो सकता है वो हमें सरिता के बारे में कुछ ऐसा बता सके जिससे हमें राजवल्लभ और उसके बाकी आदमी तक पहुंचने में मदद मिले। राइट सर। जब सरिता यहाँ से गई थी तो उसने आपसे कुछ कहा कोई भी ऐसी बात जो हमें उन तक पहुँचने में मदद कर सके? सर, मैंने जब उसे 2000 रुपये दिए थे तो वो 10-15 मिनट के बाद फिर से मेरे पास वापस आई थी। ये लो, ये पैसे अपनी मम्मी को देना, और तुम्हारे रास्ते के लिए इसमें कुछ जरूरत का सामान है। दीदी। सरिता, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दीदी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, लेकिन हुआ क्या? दीदी, आप चले जाओ वरना वो लोग आके आपको मार देंगे। मार देंगे? सर, उसी के बाद मैंने आपको सरिता के बारे में इन्फॉर्म किया था। लेकिन हाँ सर, सरिता बोल रही थी कि वो अपने मम्मी पापा के साथ सोना जा रही है। सोना? इस छोरी ने फिर से हमारे साथ दगा करा है। वो तो इसके हाव भाव से मन ने पहले ही पता चल गया था कि यो हमने फंसवाएगी, इसलिए मैंने वहाँ अपने दूसरे आदमियों को भेजा था। लेकिन राजवल्लभ भाई, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। वो लीचड़ गैंग के वफादार आदमी है, मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन ये सरिता, इसने इसके की की सजा जरूर मिलेगी। हमारे गैंग का यो नियम है, जो भी दगा करे है उसने सजा मिले, और सरिता तन्ने भी सजा मिलेगी। अब बस। पुलिस, पुलिस, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुझे क्या लगा था तेरे आदमी मुंह नहीं खोलेंगे तो तुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे? लेके जा। कुछ नहीं होगा तुझे, मुझे माफ कर दे, मेरे कर्मों की सजा तुझे मिली, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे। सरिता इस केस की एक ऐसी विक्टिम थी जो लीचड़ गैंग के सरगना राजवल्लभ के शारीरिक शोषण का शिकार हुई थी। यूं तो सरिता खूंखार अपराधियों के लीचड़ गैंग का हिस्सा थी, लेकिन उसकी मासूमियत ने उसे यह फर्क बहुत जल्दी समझा दिया था कि लालच और हिंसा का अंत हमेशा बुरा होता है। सरिता को हमने बचा लिया, और सरिता समेत बाकी और बच्चों को भी बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन सच ये भी है कि सरिता की वजह से ही हम उस गैंग तक पहुंचने में कामयाब हुए थे जो गैंग पिछले कई सालों से
देश के अलग अलग हिस्सों में अपना आतंक फैलाए हुए था। कंपैशन, दया भाव समाज के समुचित विकास के लिए अच्छा है, लेकिन जज्बातों की रौ में बहकर बिना जांच पड़ताल किए किसी अनजान के लिए अपने घर के दरवाजे खोल देना एक दस्तक है। आप अपने घर में एक जुर्म को दाखिल कर रहे हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।